Hello friends, welcome to this video. In this video we will see unit number 3, linked list. Okay, ये video important है because हम introduction to linked list करने वाले हैं और जो भी उसके terminologies है वो ध्यान से देखेंगे. ठीक है, ये आपको exam में आता है और पहले exam में आया था. Okay, winter 24 के. Okay, so my name is Dipesh and I'm teaching you data structure using C के scheme second year का subject ये है. Okay. So in today's video we are going to cover introduction to linked list. तो हमने basic overview लिया था linked list का पहले video में. Okay, आपको पता है क्या linked list क्या है? वो एक linear data structure है या फिर non-linear data structure है? Okay, तो pause the video and मुझे comment में बता. Okay, I hope आपने बताया होगा. So introduction के बाद हम इसके terminologies को discuss करेंगे. Terminologies मतलब क्या होता है? Definitions होंगे उस लिंक लिस्ट के, मतलब जितने भी अगर आपके एक लिंक लिस्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन है तो वो हर एक पार्ट क्या कहता है, आप लिंक लिस्ट को कैसे पहचानोगे. ओके, मतलब कौन सा पार्ट क्या है, वो सारा हम टर्मिनोलॉजीज में देखने वाले हैं. तो अगर आपने ये पॉइंट 3.2 प्रॉपरली किया तो मोर देन 30% लिंक लिस्ट आप यहाँ पर समझ जाओगे. अगर आपने 3.2 के जो भी टर्मिनोलॉजी से प्रॉपरली समझा है तो आपको टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट करना सिंपल हो जाएगा. मतलब 3.3 3.4 एकदम सिंपल हो जाएगा. अगर आपने 3.2 को समझा ही नहीं है प्रॉपरली तो 3.4 समझना मुश्किल है. तो ठीक है, तो ध्यान से देखो. तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट. हमें पता है लिंक लिस्ट क्या है. Linked list is a linear arrangement, मतलब linear structure है. मतलब क्या, one after one element आपके store होते हैं, contiguous नहीं होते, non-contiguous होते हैं. non-contiguous मतलब memory में कहाँ पर भी store हो सकते हैं. okay, ऐसा नहीं कि यहाँ पर या दूसरा node यहाँ पर store हो गया, तीसरा node यहाँ पर store हो गया, ऐसा नहीं होता linked list में. linked list में memory में कहाँ पर भी store होते हैं और वो बस link किया होता है. लेकिन array में, array is a contiguous memory location. मतलब एक एलिमेंट यहाँ है तो उसका दूसरा एलिमेंट एरे का यहाँ ही होना चाहिए. 200 को एक एलिमेंट है तो 201 को दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, 202 को दूसरा एलिमेंट तीसरा होना चाहिए, 204 को चौथा होना चाहिए, लाइक दिस वे. लेकिन लिंक लिस्ट में अगर 200 पर एक एलिमेंट है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 201 पर ही होना. ओके, 402 पर भी हो सकता है, 918 पर भी हो सकता है, कहाँ पर भी स्टोर होता है, बस वो लिंक किया होता है. समझ में आया? तो देखो, a linked list is a data structure made up of sequence of element called node. okay, तो linked list क्या है? collection of elements होते हैं और उस elements को क्या कहते हैं? nodes कहेंगे. okay, देखो ये पूरा क्या है? एक info and link, ये पूरा क्या है? एक node है. okay, देखो ये क्या है? एक node है. ये क्या है? एक node है. तो इनका collection, इनका sequence, ये क्या बन गया? हमारा linked list बन गया. ठीक है, so where each node contain a data and a link, और इस link को हम कहेंगे pointer to the next node. तो हर एक node के पास, देखो हर एक node के पास दो चीज रहते हैं. क्या क्या होता है? पहला होता है info, मतलब data, actual data जो मुझे store करना है. okay, और दूसरा क्या होता है? link, और इस link को हम कहते हैं pointer. ये point करता है next node की तरफ. ठीक है, तो देखो one का pointer ये है, ये point कर रहा है next node की तरफ, मतलब next node कौन सा है वो. तो data क्या करता है? actual data store करता है, and link क्या करता है? जो भी next node है उसको क्या करेगा? point करेगा. ठीक है, अभी वो कैसे point करेगा वो हम आगे देखने वाले, बस ध्यान में रखो. okay, ये definition ऊपर का नीचे लिया लिखा है, बस थोड़ा सा दूसरा language मतलब simple करके लिखा है. ठीक है, a linked list is a linear arrangement of data elements. ऊपर का ये देखो sequence of elements, यहाँ पर linear arrangement लिखा है. ठीक है, each element in the linked list is called as node. okay, आपको पता है. और each node contain two fields. तो एक node के पास दो field होता है, एक होता है information, दूसरा होता है link, और उसको कहेंगे next. और वो link next क्या होता है? pointer होता है, वो point करता है next node की तरफ. okay, तो उस link में क्या होता है? address होता है. ओके, आप रिप्रेजेंट करते हो एरो थ्रू, लेकिन कंप्यूटर में एक्चुअल में वहां पर एरो नहीं होता, वहां पर लिंक जो होता है ना, वहां पर एड्रेस होता है. जो नेक्स्ट नोड कहां पर स्टोर है, उस नोड का एड्रेस हम इस लिंक में स्टोर करते हैं. ठीक है, हम आगे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट. ओके, देखो यहां पर अनलाइक एरे लिंक लिस्ट. ओके,
do not store element in a consecutive memory location. मतलब मैंने अभी बोला, ठीक है, अगर आपका ये memory है, okay, आपने array use किया है, ठीक है, array यूज किया है, तो आपको इसे consecutive store करना पड़ेगा. यहाँ पर आपने कुछ तो store किया A, यहाँ पर store किया B, यहाँ पर store किया C. तो ये consecutive में आपको store करना पड़ेगा. लेकिन अगर linked list है आपके पास, linked list है, तो देखो कैसा हो सकता है, कहाँ पर भी हम store कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं continuous हो. यहाँ पर A store कर सकते हो, यहाँ पर B store कर सकते हो, ठीक है, और इधर तो आप C को store कर सकते हो. ठीक है, अभी देखो ये क्या है, मैं array में ही सारा link होता है. ओके, तो देखो यहाँ पर अभी ये एक्चुअल एड्रेस है और इसका एड्रेस है 200. एज्यूम करो यहाँ पर 220 एड्रेस है, यहाँ पर 10 एड्रेस है और यहाँ पर 30 एड्रेस है. ठीक है, तो देखो ये इसका एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या हो गया, ए. तो एक नोड है ऐसा, ओके, एक नोड है, इस नोड में एक्चुअल डेटा क्या है, ए है. ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, ये जिसका सेकेंड नोड है, कनेक्ट है, उसका एड्रेस होगा. इसका एड्रेस क्या है, 20. तो ऐसा 20 में स्टोर होता है. समझ में आया, ये क्या करता है, ये एक पॉइंटर होता है, नेक्स्ट पॉइंटर. ओके, ये क्या पॉइंट करता है, नेक्स्ट नोड कहां पर है, नेक्स्ट नोड कहां पर है, यहां पर है अभी. ठीक है, तो ये ऐसा लिंक करेंगे हम हमारे दूसरे नोड की तरफ. ओके वेट, ओके, यहां पर ऐसा दूसरा नोड होगा और इस दूसरे नोड में एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल मतलब 20 में एक्चुअल वैल्यू क्या है, बी. ओके, सो बी. ओके, अभी बी किसको पॉइंट कर रहा है, ये सी को ऐसा लिंक हो रहा है एरो. तो सी का एड्रेस क्या है, 30. तो इस बी के नेक्स्ट पॉइंटर में क्या होगा, 30. और यहां से वापस अपने से नीचे से निकालता हूं और यहां पर मेरा तीसरा नोड है. ओके, इस नोड में वापस एलिमेंट्स है. ठीक है, तो यहां पर मैं सी लिखता हूं, उल्टा लिखा है मैंने, ध्यान से देखो बस. ओके, सी, और देखो ये आगे लिंक नहीं है, आगे लिंक नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर नल लिखना है. ठीक है, यहां पर आपको नल लिखना है. सो ऐसा आपको डायग्राम निकालना होता है. ओके, ऐसा आपको एक लाइन में निकालो, यहां पर मुझे स्पेस नहीं थी, सिर्फ मैंने ऐसा निकाला. सी आपको यहां पर लिखना है, नल आपको उल्टा यहां पर लिखना है, स्विच करना है. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, आप ऐसा निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नल आगे लिख सकते हो. ठीक है, समझ में आया कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन क्या होता है. ओके, सो कैन ग्रो एंड श्रिंक ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूजिंग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन. इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्टैटिक एलोकेशन और डायनेमिक एलोकेशन को डिस्कस किया था. तो लिंक्ड लिस्ट फॉलोज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब क्या, जब प्रोग्राम रन होता है तब हम लिंक्ड लिस्ट को मेमोरी दे सकते हैं, कितना साइज मुझे चाहिए. ओके, वो ठीक है. रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर्स. अभी हम एरे में बस क्या स्टोर कर देते, डेटा को स्टोर कर देते, लेकिन लिंक लिस्ट में आपको क्या करना है, आपको डेटा को भी स्टोर करना है और इस पॉइंटर को भी स्टोर करना है. ठीक है, आपको ऐसे पॉइंटर को भी स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ पर 20 लाइक दिस वे. ओके, यहाँ पर एक के बाद 20 ऐसा आपको स्टोर करना पड़ेगा. तो उस पॉइंटर को स्टोर करने के लिए भी हमें एक मेमोरी लगेगी, तो मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी पॉइंटर की वजह से. ओके, बिकॉज हमें पॉइंटर को भी स्टोर करना पड़ेगा. ओके, लाइक दिस वे, समझ में आया. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टर्मिनोलॉजीज, मतलब डेफिनेशंस होते हैं. ओके, सो देखो क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स के लिए आपको, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट. ओके, विद द टर्मिनोलॉजीज, नोड, नेक्स्ट पॉइंटर, कॉमन नल पॉइंटर एंड एम्प्टी लिस्ट. ओके, आपको एक्सप्लेन करना था 4 मार्क्स के लिए. नाउ, तो व्हाट इज नोड, आपको पता है भी नोड क्या है, नोड मतलब क्या होता है. ओके, एक एलिमेंट होता है और उसमें दो फील्ड होते हैं, कौन से, इंफॉर्मेशन फील्ड, उसको हम डेटा फील्ड कहेंगे, और नेक्स्ट पॉइंटर होता है, वो पॉइंट करता है नेक्स्ट एलिमेंट और नेक्स्ट नोड कहां पर है वहां को. ठीक है, अ डेटा एलिमेंट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन एंड एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट नोड. आपको ऐसा करो, अ नोड इट इज अ एलिमेंट दैट कंटेन टू फील्ड्स, इंफॉर्मेशन और डेटा फील्ड और नेक्स्ट पॉइंटर व्हिच पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड. और ये नोड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लिंक लिस्ट. नोड का हम कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लिंक लिस्ट, मतलब वो नोड से ही हमारा एक लिंक लिस्ट रेडी होता है, तैयार होता है, इसीलिए कहेंगे उसको. तो ठीक है, आपको नोड की डायग्राम ये है, तो डेफिनेशन लिखो, नोड की डायग्राम निकालो. ठीक है, समझ में आया नोड क्या होता है. नोड के अंदर दो चीज होते हैं, चीज मतलब फील्ड्स होते हैं, कौन से, इंफॉर्मेशन फील्ड या फिर डेटा फील्ड, दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंड, इंफॉर्मेशन फील्ड और डेटा फील्ड, मतलब ये पार्ट हम डिस्कस करने वाले, ये क्या होता है इंफॉर्मेशन. So also called as a data part.
ओके, इसको डेटा पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। यूज टू स्टोर द एक्चुअल डेटा इन द नोड, ओके, नोड के अंदर जो भी आपको एक्चुअल डेटा स्टोर करना है वो आपको कहां पर होगा, इंफॉर्मेशन के अंदर स्टोर होगा। देखो ये एक्चुअल डेटा हमारा क्या है, ए, तो दिस इज योर इंफॉर्मेशन फील्ड, डेटा फील्ड और डेटा पार्ट, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ नोड दैट होल्ड एक्चुअल वैल्यू, इंटीजर, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यू, उसको कहेंगे डेटा फील्ड, इंफॉर्मेशन फील्ड। समझ में आया, जो आपको एक्चुअल वैल्यू स्टोर करना है वो आपको कहां पर स्टोर करना है, डेटा फील्ड में स्टोर करना है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, इसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंटर, ओके, ये क्या क्या करता है, नेक्स्ट नोड को लिंक करता है, पॉइंट करता है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, इट लिंक्स द नोड टुगेदर, ओके, लिंक्स को जोड़ने का काम करता है, ओके। सो द पार्ट ऑफ अ नोड दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, ओके, एक फील्ड है नोड का, वो क्या करता है, नेक्स्ट नोड को लिंक करता है, और उस नेक्स्ट पॉइंटर में क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है नेक्स्ट नोड का, ठीक है, ओके। एज्यूम करो अभी इस नोड की कहां पर स्टोर है, हमारे मेमोरी में 100 को स्टोर है, ठीक है, और ये नोड हमारा स्टोर है 200 को स्टोर है, ठीक है, ओके। अभी देखो कैसा होता है एक्चुअल कैसा होता है, देखो एरो तो नहीं होता हमारे पॉइंटर में, मतलब हमारे सीपीयू में या फिर मेमोरी में, तो देखो ये हमारा क्या है, डेटा पार्ट जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर मतलब अगली नोड कौन कौन होगा उसका क्या होता है, एड्रेस स्टोर करता है, डेटा नहीं स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस अभी इसका क्या है 200, तो यहाँ पर क्या होता है 200 ऐसा हम स्टोर करते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या, ओके। अगर इसके बाद कुछ तो नोड होता, यहाँ पर ऐसा कुछ तो नोड होता और ये स्टोर है हमारे 900 पोजीशन पर और इसका एड्रेस क्या है 900 है, तो हमारे यहाँ पर क्या होता, इस नेक्स्ट पॉइंटर में क्या होता, 900 हम स्टोर करते, 900, ओके। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इस नोड के बाद कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नल लिखेंगे, NULL, ठीक है, नल लिखेंगे, मतलब आगे कुछ नहीं है, नल है, लास्ट नोड है ये, ओके, समझ में आया, ओके। द लास्ट नोड ऑफ द पॉइंटर इज नल, ओके, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर की जगह लास्ट एलिमेंट या फिर लास्ट नोड पर क्या होता है, नल होता है, मतलब आगे कुछ नहीं है इन अ सिंगली लिंक लिस्ट, बस सिंगली लिंक लिस्ट में, हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, समझ में आया। अभी तक हमने क्या किया, नोड को सीखा, नोड में दो फील्ड होते हैं, इन्फॉर्मेशन फील्ड एंड नेक्स्ट पॉइंटर, इन्फॉर्मेशन में एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, नेक्स्ट पॉइंटर में क्या होता है, जो अगला नोड होगा उस अगले नोड का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अ नल पॉइंटर, अब मैंने अभी बताया नल पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर इंडिकेट द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब हमारे लिंक लिस्ट खत्म हो गई, जहां पर हमारा लास्ट एलिमेंट होगा उसकी एड्रेस जहां पर नल होगा और वो होता है हमारा नल पॉइंटर, ठीक है, समझ में, मतलब लास्ट नोड का डेटा सॉरी इन्फॉर्म क्या नेक्स्ट पॉइंटर होता है वहां पर नल होगा तो वो बन गया हमारा नल पॉइंटर, वो क्या इंडिकेट दैट द लिंक लिस्ट इज ओवर, आगे कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इज ए लास्ट नोड, ओके, द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कीप्स नल पॉइंटर टू मार्क द एंड, तो यहाँ पर लास्ट नोड का जहां होता है वहां पर क्या होता है आपका नल पॉइंटर होता है, ओके, नल पॉइंटर इंडिकेट दैट द एंड ऑफ द लिस्ट, ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, आपको पॉइंटर पता है ना, आप सी में पॉइंटर सीखे हो गए, ओके, लाइक दिस वे, तो देखो आपका ये एक ये स्टार्ट, ये हेडर नोड मत देखो आप, ठीक है, बस देखो ये एक नोड है, ये आपका डेटा पार्ट है, ये आपका एड्रेस पार्ट है, ओके, तो ये आपका डेटा पार्ट है, ये एड्रेस पार्ट है, यह हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो एड्रेस पार्ट में मैंने क्या स्टोर किया, नल किया, नल मतलब क्या होता है आपका नल पॉइंटर होता है, वो इंडिकेट करता है एंड ऑफ द लिस्ट, क्लियर, ओके। एम्प्टी लिस्ट क्या होता है, ओके, आपने एक लिंक लिस्ट बनाया है, उस लिंक लिस्ट के अंदर कुछ भी आपने स्टोर नहीं किया, तो पहले अगर कुछ नहीं स्टोर किया तो आपका बस एक नोड होगा और उस नोड के अंदर बस नल लिखा होगा, ओके, हेडर नोड में आप ध्यान मत दो, हेडर नोड को आप ध्यान मत दो, बस आपका क्या होता है एक नोड होगा और उस नोड में क्या होता है बस नल होता है, एम्प्टी लिस्ट, कुछ भी नहीं है उस नोड में, उस लिंक लिस्ट में बस एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, बस सिंपली सी एक नोड बनाना है, उसके अंदर नल लिखना है, मतलब लिंक लिस्ट क्या है एम्प्टी है, उसने एक भी एलिमेंट हमने स्टोर नहीं किया, ओके। द लिस्ट इज कॉल्ड एज एम्प्टी इफ द हेड फर्स्ट नोड पॉइंटर कंटेन्स द नल, अभी देखो हेड नोड हेडर नोड मतलब क्या, फर्स्ट नोड, जो भी हमारा फर्स्ट नोड होगा लिंक लिस्ट का उसको हम कहेंगे हेडर नोड,
ठीक है, समझ में आया? जो भी हमारा फर्स्ट नोड होगा लिंक्ड लिस्ट का, उसको हम कहेंगे हेडर नोड। तो देखो हमारे लिंक्ड लिस्ट का ये फर्स्ट है, तो ये हमारा ये क्या बन गया, हमारा ये बन गया हमारा हेडर नोड। और ये हेडर नोड क्या है, सो दिस स्टार्ट इज हेडर नोड। ठीक है, तो हेडर नोड ये पॉइंट कर रहा है हमारा फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट नोड के लिए। और हमारा नल पॉइंटर क्या पॉइंट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो हमारा हेडर नोड एम्प्टी होगा, हेडर नोड नल होगा। अगर आपका हेडर नोड नल है तो वो हमें पता चलेगा कि एम्प्टी लिस्ट, हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, मतलब एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट है। ठीक है, समझ में आया? नाउ एड्रेस, एड्रेस तो भी आपको बताया, रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नोड, मतलब मेमोरी कहां पर स्टोर है। देखो ये क्या हमारा एड्रेस, जहां पर हमारा नोड स्टोर है उसका मेमोरी लोकेशन क्या है, उसको हम कहेंगे एड्रेस। ठीक है, द मेमोरी लोकेशन ऑफ अ नोड। ओके, तीनों चीज एक ही, मतलब तीनों लाइन एक ही है, डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग्स में लिखा गया है। ईच नोड स्टोर अ यूनिक एड्रेस इन अ मेमोरी। ओके, एड्रेस मतलब क्या, जहां पर हमारा नोड स्टोर होता है उसकी मेमोरी लोकेशन की जो भी एड्रेस है उसको हम कहेंगे एड्रेस। ठीक है, हेड नोड क्या होता है, द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। ओके, जो भी फर्स्ट लीड्स है, देखो ये हमारा फर्स्ट नोड है, उसको हम क्या कहेंगे, हेड नोड। ओके, और जहां पर हेड नोड होता है वो होता है हेड पॉइंटर, पॉइंट्स टू द हेड नोड ऑफ द लिस्ट। ओके, जहां पर आपका हेड नोड होगा वो होता है हेड पॉइंटर। सो दिस इज योर हेड पॉइंटर, और ये हमारा ये फर्स्ट नोड है, इसको कहेंगे हेड नोड कहेंगे। ये हमारा लास्ट है, यहाँ पर होगा अपना नल पॉइंटर होगा, इंडिकेट दैट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, सो हेड नोड क्या होता है, फर्स्ट नोड होता है लिंक लिस्ट का। हेड पॉइंटर क्या होता है, वो पॉइंट करता है हेड नोड, हेड नोड कहां पर है उसको पॉइंट करेगा हेड नोड। ओके, सो देखो यहाँ पर पूरा एक डायग्राम में एक्सप्लेनेशन दिया है प्रॉपर, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखो, सो ये अपना नोड है। ओके, ये आपको डॉट डॉट लिख रहा है, तो ये पूरा एक नोड है। इस नोड के अंदर दो पार्ट है, देखो 15317790 ये जो है आपका डेटा है, और 3600400440 ये क्या है, एड्रेस है, और वो नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर किया है, मतलब जो भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। देखो अभी यहाँ पर नेक्स्ट नोड क्या, ये तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो हमारे पिछले नोड में यहाँ पर हम स्टोर करते हैं। देखो यहाँ 400 है इस नोड का, तो 400 यहाँ पर स्टोर किया है। सो लाइक दिस वे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट आपका नल होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा, और आपका लास्ट नोड विल पॉइंट टू द नल पॉइंटर होता है। आपका फर्स्ट नोड जो होता है उसको आप हेड नोड कहते हैं, और हमारा हेड पॉइंटर पॉइंट करता है हेड नोड को। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन है लिंक लिस्ट और एरे, वो आपको ध्यान से देखो, ये भी आपको एग्जाम में आता है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। तो यू कैन गो विद द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सो लिंक्ड लिस्ट आर डायनेमिक, दे एलोकेट मेमोरी एज पर द रिक्वायरमेंट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके, मैं बस आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ, आप देख लो। ठीक है, ऑपरेशन लाइक लिंक एडिशन, मतलब इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी इंप्लीमेंटेड इजिली, ऑपरेशन आप हम लिंक्ड लिस्ट पर इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक्स एंड क्यू कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग द लिंक्ड लिस्ट। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक्स एंड क्यू कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग द लिंक लिस्ट, मतलब जो भी हम अगले यूनिट में स्टैक्स एंड क्यू देखने वाले हैं वो हम लिंक लिस्ट थ्रू इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ट्रैवर्सल टाइम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इंसर्श फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन कंपेयर टू एरे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स ही आप देख लो हो जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द पॉइंटर्स, वो हमने डिस्कस किया। ओके, आपको मेमोरी भी एड्रेस भी स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल, ईच नोड मस्ट बी एक्सेस सिक्वेंशियली, रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको सर्चिंग करना है तो आपको वन पहले नोड से आपको करना पड़ेगा। ओके, रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, रिवर्स ट्रेवल्सल इन लिंक लिस्ट इज डिफिकल्ट, इन सिंगली लिंक लिस्ट इज डिफिकल्ट, आपको रिवर्स ट्रेवल्स करना मुश्किल होता है बिकॉज प्रीवियस नोड। ओके, देखो यहाँ पर, ओके, अगर आपने यहाँ आपको ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट करा, ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट करा, ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट करना है, अगर आपको पीछे जाना है तो पीछे का एड्रेस यहाँ पर मेंशन नहीं होता, राइट? तो पीछे ट्रेवल्स करना मुश्किल है सिंगली लिंक लिस्ट में। ओके, समझ में आ गया? तो रैंडम एक्सेस मतलब कि आप डायरेक्टली 17 को एक्सेस नहीं कर सकते, पहले आपको यहाँ से आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ जाना पड़ेगा सिक्वेंशियल में। ओके, सिक्वेंशियल पैनल में डायरेक्टली आप 17 को एक्सेस नहीं करना पड़ता, पहले 15 के पास जाओ, फिर 3 के पास जाओ, फिर आपको 17 के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट, सो आप समरी देख सकते हो। Okay, so thank you. This is for video. I will meet you next video with 3.3. Till then, thank you. Bye-bye.